अगर आप सोच रहे हो घर की कंस्ट्रक्शन करनी है और मटेरियल कितना लगेगा, सीमेंट की बात करें, सैंड की या एग्रीगेट की, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इजिली एस्टीमेट कर सकते हो कि आपको स्टील कितना लग रहा है, पेंट कितना लगेगा, फ्लोरिंग की कितना एरिया होने वाला है। क्योंकि जब भी ठेके पे भी देते हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितने होने वाली है। तो उसमें जो हमारा रहता है मटेरियल, 75% हमारा खर्चा किसमें जाता है, मटेरियल में। अगर हमारा बाई चांस 15 लाख लगने वाला है, उसमें हमारा 75% मटेरियल का खर्चा होगा, और उसमें जो बचेगा 25% हमारा खर्चा किसमें होगा, लेबर में खर्चा होगा। ये चीज हर एक कंस्ट्रक्शन में होती है। मतलब अगर आप पकड़ के बैठ जाओ कि 25 ही होगा, नहीं, 25.26 हो जाएगा या 24 हो जाएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द रहेगा। मैं समझाता हूं इस चीज को और अच्छे से आगे, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, सबसे पहले हमारे इंडिया में कंस्ट्रक्शन क्लास ए बी सी डिफरेंशिएट की है, कोई ए क्लास बी क्लास कुछ है इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिफरेंशिएट किया है, क्या डिफरेंशिएट किया है, जो हमारे क्लास ए के घर रहते हैं, आपने बिलास देखे होंगे, बंगलो हो गए, जिसमें सब चीजें ब्रांडेड है, मतलब इटालियन से लेके भारत से मटेरियल आ रहा है, सब चीजें तो थोड़ी कॉस्टली रहती है उसमें चीजें, तो इंटीरियर भी उसका पूरा डिजाइन कर रहे हैं, बाहर की एलिवेशन भी डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका खर्चा 2000 से हमारा 2800 पर स्क्वायर फीट चला जाता है। कितना? 2000 से 2800 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा उसका खर्चा चला जाता है। लेकिन जो हमारा रहता है क्या, क्लास बी का घर, उसमें क्या हमारा रहता है, उसका खर्चा होता है 1500 से 1800 स्क्वायर फीट। इसमें क्या होगा, कुछ चीजें हम ब्रांडेड यूज करते हैं, कुछ बजट वाली यूज करते हैं, लेकिन अच्छी चीजें, मतलब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि हम इटालियन मार्बल मंगवा रहे हैं या ऐसी चीजें मंगा रहे हैं कि इंटीरियर के लिए पूरा अलग से डिजाइन कर रहे हैं, एलिवेशन के लिए अलग से डिजाइन कर रहे हैं, 3D व्यू बनवा रहे हैं, ऐसे कुछ बेफालतू खर्चे नहीं करते। क्वालिटी और कुछ चीजें मेंटेन करके हम क्लास बी का घर बनाते हैं। और नॉर्मली जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम क्लास बी की ही करते हैं। क्लास सी की कंस्ट्रक्शन कौन सी आ गई, क्लास सी की हो गई जो लोकल मटेरियल आप यूज करोगे, क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोकल वेंडर से आप लोगे, कहीं स्टील में पैसा बचा रहे हो, सीमेंट में पैसा बचा रहे हो, क्वालिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे चल रही है, तो वो क्लास सी के घर रहते हैं। वो उनका रेट है 1050 से 1200 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। क्या है, मैं समझाता हूं। देखो, एक कोई घर है हमारा, मैंने एग्जांपल लिया, और हमेशा मैं 50x20 का घर क्यों लेता हूं, ये भी कमेंट आते हैं। इसमें क्या है, इजीली समझ जाते हो, अगर 1000 स्क्वायर फीट, मतलब 100, 1000, 2000 जो समझने में इजी होता है, इसलिए आपके लिए रहता है। तो ये 50 स्क्वायर फीट है और ये 20 स्क्वायर फीट है, ठीक है। हमारा प्लॉट है 50 ऐसे है और 20 ऐसे है, तो क्लास बी का घर की कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करोगे, क्लास बी बहुत ज्यादा अच्छा घर है, तो क्लास बी की, तो हमारा 50x20 का हमारा प्लॉट है, क्लियर। तो 50x20 की हमने आ गया, हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया बन गया, कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट घर बनने जा रहा है। और उसमें हमने खर्चा पकड़ लिया कि 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ेगा हमें विद मटेरियल, मतलब पूरा कंप्लीट घर करने में, तो इस समय इतना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। 1800 तो पड़ ही जाता है इतना खर्चा, अगर अच्छा मटेरियल यूज करोगे तो। टोटल कॉस्ट निकालिए तो हमारा 18 लाख रुपया लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में, अगर हम क्लास बी का घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, ठीक है। कितना? 18 लाख रुपया। कहां कैसे लगेगा ये हम आगे निकालेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी घर बनाना है, उसके लिए ड्राइंग आपको मस्ट बनानी है। ड्राइंग जरूरी है, क्योंकि इतना खर्चा 18 लाख रुपए लगा रहे हो, उसमें से 1% खर्चा अगर आप ड्राइंग पे करोगे, उससे क्या होगी, आपकी जो जगह होगी, आपकी जगह है वो अच्छे से कंज्यूम हो जाती है, पूरा एरिया में अच्छा सा रूम बन जाएगा, स्टैंडर्ड साइज है, सब कुछ क्लियरली हो जाता है, ठीक है। तो आपको ड्राइंग करनी करनी है। जो 2D प्लस 3D का रेट इस समय है, मैक्सिमम रेट ले लिया मैंने, इससे सस्ता मिल जाएगा, 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट इस समय रेट है। कितना? 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट का हम घर बनाने जा रहे हैं, तो मैं 12 रुपए पकड़ लेता हूं, 1000 × 12, मतलब हमारा 12000 रुपया खर्चा आ जाएगा। इसमें आपको क्या कर देंगे, वो प्लान बना के दे देंगे, प्लिंथ बीम कहाँ आएगा, कॉलम कहाँ आपको देना है, स्टेयर केस, थोड़ा 3D व्यू उसका दिख जाएगा, एलिवेशन कुछ ऐसी दिखेंगी, मतलब बेसिक डिटेल आपको सब कुछ मिल जाएगी। अगर कोई इससे कंपेयर करेगी, इसमें क्या होना था क्लास ए में ये होना था, पूरा उसका वॉक थ्रू बनना था, अंदर से रूम कैसे दिखेंगे, सोफे कहाँ, ये वो पूरा 3D व्यू, एलिवेशन कैसे दिखेंगी, स्ट्रक्चर डिटेल भी मिलती है उसमें। इसमें आपको स्ट्रक्चर डिटेल नहीं मिलेंगी, लेकिन स्ट्रक्चर डिटेल अगर आप
ग्राउंड फ्लोर या 2 BHK मतलब डबल ड्यूप्लेक्स बना रहे हो तो इतनी कुछ जरूरी नहीं है, इतना आपको गाइडेंस कॉन्ट्रेक्टर भी दे देगा और बेसिक आपको ये मिल भी जाएगी। इवन आपको जहां से ड्रॉइंग बना रहे हो वो भी आपको गाइड दे देते हैं 12,000 रुपए में, कभी कभी स्ट्रक्चर की डिटेल भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल कंस्ट्रक्शन है, जनरल कंस्ट्रक्शन में इतना ज्यादा वो कुछ करना नहीं होता उनको। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज हमारी यूज होती है वो होती है सीमेंट। तो सीमेंट के लिए क्या करना है, सीमेंट हमारा कितना लगता है, एक कोफिशियंट है, ये थंब रूल है हमारे 0.40। तो एरिया हमारा कितना देखते रहना, ऐसे ही निकालना होता है आपको, घर में सीमेंट कितना लगेगा आप इससे निकाल सकते हो। 1,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, आपका 2,000 होता आपने यहाँ 2,000 लिखना था, आपका 800 होता आपने 800 लिखना था, 600 होता 600 लिखना था, हमारा है 1,000 स्क्वायर फीट। तो हमारा थंब रूल क्या है, 0.40, ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें 1,000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में 400 बैग सीमेंट लगेंगे। और ये मत करना कि 400 बैग एक साथ लेके आगे, थोड़े थोड़े लाइए, 200 भी नहीं मैं बोलूंगा, 100 बैग लाइए, फिर 100 बैग लाइए, कि उससे क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन रहती है, सीमेंट खराब नहीं होता। ऐसे लाके रख दोगे वो खराब हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद सीमेंट ऐसे भी थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ लूज करने लग पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर से मॉइस्चर सब कंडीशन खराब हो जाती है यहाँ के। तो इस समय जो रेट चल रहा है, अगर मैं ACC सीमेंट की करूं या अंबुजा की बात करूं, फिर से रेट बढ़ रहे हैं अभी, कोई भी सीमेंट है अल्ट्राटेक है, तो उनके 430 440 ऐसे रेट चल रहे हैं, ठीक है। तो 430 400 बैग हमारे लगने वाले थे, तो 400 इंटू कर दिए तो हमारा आ गया 1,72,000 रुपया हमारा किसमें, सीमेंट में चला जाएगा। काफी पैसा हमारा सीमेंट में चला जाता है, क्योंकि यही तो हमारे घर को पकड़ के रख रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, 1,72,000 रुपया हमारा इसमें चला जाएगा, क्लियर। फिर आते हैं हम स्टील की तरफ। तो हमारे घर में स्टील भी बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टील। तो स्टील का कितना खर्चा है, देखो एरिया इंटू ये फिर आ गया कोफिशियंट, यही जो हमें गाइड कर रहा है कि हमारे घर में कितना लगेगा। एरिया कितना है हमारा, 1,000 स्क्वायर फीट, और ये 2.7। आप कभी कोई पूछेगा कि 2.7 कहां से आ रहा है, कोफिशियंट है, थंब रूल है, पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, एक जैसे घर बने हुए 20 घर एक जैसे बन गए, उनमें हमें पता चल गया कि 3 टन लगता है, 2.5 टन लगता है, या 2700 kg लग रहा है। तो आइडिया लग गया कि 2700 kg से 3 टन तक तो सरिया हमारा लगेगा, तो वही चीज है, ये वही चीज है, ठीक है। तो 1,000 स्क्वायर फीट हमारे एग्जाम्पल आपका जितना भी हो, तो 2.7 हो गया हमारा 2700 kg हमारा स्टील लगेगा। इस समय टाटा का, जिंदल पैंथर या सेल का, तो 92 रुपए से 95 रुपए पर GST हमारा रेट चल रहा है 92। तो 92 × 2700 अगर हम करते हैं, 92 रुपए kg, तो 2700 kg हमारा लगे, तो 92 × 2700 kg 2,48,400 रुपए का हमारा क्या लग रहा है, स्टील लगने जा रहा है घर की कंस्ट्रक्शन में। फिर हम बात करते हैं, आगे आ जाते हैं सैंड की तरफ। हमारे घर में रेता जो सैंड लगेगा, बालू कई लोग बोलते हैं, तो बालू कितना लगेगा, एरिया हमारा हमें पता है 1,000 स्क्वायर फीट है, ये आ गया कोफिशियंट, ठीक है, थंब रूल आ गया। तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1,000 × कोफिशियंट हमारा आ गया 1,480 CFT क्यूबिक फीट हमारी कितना सीमेंट लग रहा है। और जो मार्केट में इस समय रेट है 60 रुपए 62 65 ऐसे रेट मिलता है, ठीक है, रिवर सैंड के बारे में बात करो, एम सैंड नहीं। तो 1,480 × 60 हम करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 88,800 रुपए हमारा खर्चा आएगा इसमें सैंड में। फिर हम एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट और हर चीज का जो मैं बता रहा हूँ क्वालिटी चेक कर लेनी है आपको। क्वालिटी कैसे चेक करनी है, इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, हर एक चीज की वीडियो है। एग्रीगेट जो हमारा कब्जी होती है, बजरी होती है, उसका क्या रहेगा, एरिया हमारा है 1,000 स्क्वायर फीट, आपका जितना भी होगा आपको वो लिखना है, इंटू 1.35 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा कोफिशियंट है 1.35 CFT। तो हो गया हमारा 13, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारा 1,350 CFT, ठीक है। तो 65 रुपए इस समय रेट है, 65 पे 60 रुपए मिल जाती है, 55 भी मिलती है, बजरी सस्ती है वो थोड़ा, लेकिन रेट पकड़ लिया मैंने, मैक्सिमम पकड़ लिया, 87,750 रुपए हमारा एग्रीगेट पे खर्चा जाएगा। फिर जो ईंट होती है हमारी, ईंट देखो पैरापिट में लगेगी, फुटिंग में लगेगी, फिर हमारी दीवारों पे लगेगी, तो 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने 22 पकड़ ली, कई जगह 19 लगती है, कई जगह 18 लगती है, कई जगह 23 लग जाती है, तो 22 पकड़ ली, इतनी तो आपकी लगेंगी। तो एरिया हमारा 1,000 × 22, तो 22,000 ईंट हमारी लगने वाली है 1,000 स्क्वायर फीट घर में, ठीक है। और 9 रुपए इस समय रेट चल रहा है, एक अच्छी ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक लेते हो 9.5 रुपए रेट है, तो वो आप यूज करिए, 1,98,000, मतलब 2,00,000 रुपया हमारा किस पे लगने वाला है, ब्रिक पे लगने वाला है। अगर हम रेड ब्रिक यूज करते हैं, अगर हम फ्लाई एश ब्रिक यूज करते हैं, तो आपका 30-40,000 रुपया खर्चा कम रख लो, क्योंकि वो 6-7 रुपए में आपको मिल जाएगी। दोनों ब्रिक अच्छी है, अपनी अपनी खासियत है हर चीज की, वो भी आप देख सकते हो वीडियो। चलो मटेरियल हमारा साइट पे पहुंच गया सब कुछ, ठीक है। फिर हमारा काम शुरू होता है एक्सकवेशन का, खुदाई का, फुटिंग निकाल ली हमने। तो फुटिंग क्या पकड़ते हैं हम, हमारा जितना भी हो रहे थे, दो
CFT हम पकड़ते हैं फुटिंग की, हमारा 2 CFT पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। तो 1000 square feet हमारा एरिया है तो 2 CFT हमने कर लिए, तो 2000 CFT हमारा एक्सक्वेशन होगा, फुटिंग होगी, कितनी फुटिंग आएंगी, ठीक है 2000, ठीक है। उसमें हमारा खर्चा पड़ता है 9 रुपये पर CFT के हिसाब से। आप उसको मैनुअल करवाओ, जहाँ JCB लगवाओ, JCB से जैसे इधर 18,000 लगे वहां आपका 16,000 लग जाएगा, लेकिन 16,000 से 18,000 रुपये आपका लगने वाला है। आप पकड़ लीजिए 2,000 × 9 रुपये करेंगे तो 18,000 रुपये हमारा एक्सकवेशन में लगेगा। फिर अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको करनी ही करनी है, सॉइल फिलिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं गलतियां गिना रहा हूँ, एक हमारी सीरीज चल रही है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एंड, उसमें जो भी मिस्टेक कर रहे हैं लोग घर की कंस्ट्रक्शन में वो सब मेंशन कर रहा हूँ, उसका अल्टरनेट आपको बताते जा रहा हूँ। तो सॉइल फिलिंग आपको कभी भी जो आपने मिट्टी पत्थर वाली निकाली उसको मत डालिए, एम सैंड मंगवा लीजिए, क्योंकि 10 से 20,000 रुपये का खर्चा है। तो जो एरिया है हमारा इंटू उसको कर देना है 1.5 से, आपको 1000 square feet हमारे एरिया इंटू 1.5 की 1500 CFT हमारा हो गया। 1500 CFT हमें सैंड चाहिए फिलिंग के लिए, और उसमें सॉइल प्लस लेबर का खर्चा कुछ 10 से 12 रुपये पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको यूज करनी है, 1500 हमारा CFT था इंटू 12 कर दिया, 18,000 रुपया हमारा सैंड फिलिंग में लगेगा। सैंड फिलिंग कहाँ हो रही है, जो फुटिंग हमने खुदवाई थी उसके जब फुटिंग बन गई मिट्टी डाली है ना वो वाली है। फिर हमारा ये हो गया, हमारा एक्सक्वेशन वगैरह हो गया। फिर हम बढ़ते हैं जो हमारा टाइल, अभी फिनिशिंग के आइटम भी करनी है हमें, तो हमारे टाइल कितनी लगती है हमारे घर में, तो उसका थंब रूल होता है 1000 square feet हमारा एरिया है इनटू 0.07 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 70% हमारे फ्लोरिंग पे टाइल आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1000 × 0.07 से मल्टीप्लाई, 700 square feet हमारा हो गया। और इस समय मार्केट में टाइल अगर हम बात करें तो किस हिसाब से है, 700 हमारा था, 55 रुपये आपको मिल जाएगी अच्छी टाइल, कजारिया की, AGL की, सोमामिनी की, तो हर चीज की मिलेगी, 38,500 रुपये हमारा टाइल पे मटेरियल का लगेगा। फिर वॉशरूम जो हमारे होते हैं, स्टैंडर्ड हमारे वॉशरूम का साइज होता है 7 फुट रखा है, और ऐसे आपका 3-4 रख दिया, ठीक है। तो हमारे 150 से 160 square feet एक बाथरूम का मिलता है, तो हम 1000 square feet का घर बना रहे हैं, 2 बाथरूम तो हमें चाहिए, तो हमने 2 कर लिया, तो टोटल हमारे एरिया बना हमारा 300 square feet, उसको जो मटेरियल लगेगा 300 × 55, 16,500 रुपये हमारा किसका लग गया, वॉशरूम को टाइल का, ठीक है। यहां पहुंच गए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो किचन रहती है, हमारा ग्रेनाइट आता है उसकी शेल्फ पे, तो एल शेप की अगर आपकी किचन है, ठीक है, तो पकड़ के चलिए कुछ 60 से 70 फीट आपका ग्रेनाइट उस पे लगेगा, तो वो हमने ले लिया, 120 रुपये से 130 रुपये आपको एक अच्छा ग्रेनाइट मिल जाएगा। तो 60 × 120 अगर हम करते हैं तो हमारा 7200 रुपये किसमें, ग्रेनाइट में लगने वाला है, किचन का ग्रेनाइट पड़ गया। फिर हमारा होता है पोर्च प्लस स्टेयर केस, हमारा क्या आता है उसमें मार्बल आता है, तो मार्बल में क्या है, एरिया हमारा आ गया 1000 square feet, और आपको 0.5 उसका पकड़ के रखना है कि आपके पोर्च और स्टेयर केस में अप्रोक्स 0.5 मार्बल लगेगा, तो 1000 × 0.5 करेंगे तो 500 square feet हमारा वो बनता है, तो इस समय मार्बल का लेबर प्लस मार्बल आपको 55 रुपये मिल जाएगा, तो 500 × 55 करेंगे 2750 हमारा किसका, पोर्च और उसका खर्चा आ जाएगा। फिर हम पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, पेंटिंग हमारा जो हमारी पुट्टी होती है डबल कोट पुट्टी प्राइमर, तो उसमें आपका कितना खर्चा आएगा, 5 गुना कर लीजिए, जितने भी आपकी स्लैब होगी ना उतना 5 गुना कर लीजिए, इतना आपको वहां पुट्टी और प्राइमर करना है, तो वो हो गया हमारा 5000 square feet, और 4 से 5 रुपये रेट चल रहा है, मैंने मैक्सिमम 5 रुपये रेट ले लिया, तो 25,000 रुपये हमारा किसका लगेगा, सिर्फ लेबर का लगेगा, किसकी, पुट्टी और प्राइमर मारने के लिए, प्लस मटेरियल लगा लो 25,000 हमारा लेबर लग रही है, उसी में लगा लो 25,000 का हमारा मटेरियल लग जाएगा, टोटल 50,000 रुपये हमारा खर्चा किसमें, पेंटिंग में चला गया। फिर जो पुट्टी वगैरह में, फिर पेंट जो हमें करना होता है उसका पकड़ के चलिए, आपको कितना एरिया, 1000 square feet का एरिया है हमारा, कोफिशिएंट है 2.1, तो 2100 square feet एरिया में हमें पेंट करना होता है, तो उसका हम पकड़ लेते हैं 18 रुपये मटेरियल, मतलब पेंट में मटेरियल भी आ गया प्लस लेबर आ गया, तो 18 रुपये, तो 37,800 रुपये हमारा पेंटिंग में चला जाएगा। प्लम्बिंग का कैसे आपको समझना है, एरिया इंटू रेट कर लो सीधा, मतलब उसमें आपका मटेरियल भी आ जाएगा और रेट भी, तो 1000 square feet हमारा एरिया है, उसमें 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पकड़ के चलिए, मटेरियल प्लस लेबर, थोड़ा ज्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, 1,00,000 रुपये हमारा प्लम्बिंग में खर्चा आ जाएगा।
फिर इलेक्ट्रिकल वर्क जो रहता है उसमें भी आप 100 रुपया पकड़ के चलिए, एरिया इंटू 100 रुपया, तो 1,00,000 रुपया हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क में चला जाएगा। डोर और विंडो की अगर हम बात करें, अगर विंडो लगवाने जाते हो तो 3-4 विंडो तो आपकी 1,000 स्क्वायर फीट में आएंगी, तो पकड़ के चलना जितना आपका एरिया होगा ना 0.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, 500 स्क्वायर फीट में आपकी विंडो जा रही है तो 140 रुपये हम लकड़ी का रेट पकड़ के चलते हैं कि इस समय 140 रुपये पर फीट हमें मिल जाएगी, तो हमारा 70,000 रुपया किसमें लग जाएगा, कोई विंडो की लकड़ी वकड़ी करने में ये सब चीजें। तो फिर डोर के लिए वैसे आपको 50 रुपये पकड़नी है 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 50,000 रुपया हमारा डोर पे लग जाएगा। तो इसके हम लेबर कॉस्ट 20% पकड़ के चलते 24,000, मतलब कुछ 1.5 लाख रुपया हमारा किस पे लगने वाला है, इस पे डोर और विंडो पे। क्लियर यहां तक? फिर हम सेप्टिक टैंक का खर्चा पकड़ते हैं, 43,000 रुपया हमारा सेप्टिक टैंक में चला जाएगा। फिर जो हमारी रेलिंग लगेगी 40,000 हम रेलिंग का पकड़ लेते हैं। फिर मॉडुलर किचन अगर हम बनाने जाते हैं तो 25,000 रुपये हम मॉडुलर किचन का पकड़ के चलते हैं, तो मिसलिनियस खर्चे 25,000 और पकड़ लेते हैं। तो सबको ठीक है, यहां तक हो गया। फिर आती है लेबर कॉस्ट, मतलब हमने सब मटेरियल ले लिया, अब टाइल लगा ली, टाइल का लगा दिया, लेकिन हमारे जो कॉलम कौन करेगा, ब्रिक वर्क कौन करेगा, प्लास्टर कौन करेगा, ये सब सीढ़ी कौन बनाएगा, तो वो लेबर कॉस्ट हमारा कितना होगा। मैंने जैसे कहा था आपको 25% हमारा लेबर कॉस्ट रहता है, तो इस समय लेबर कॉस्ट है 220 रुपये से 240 रुपये पर स्क्वायर फीट, जहां प्लिंथ से शुरू होगा और फिनिशिंग तक आपको करके देगा, जो टाइल वाइल छोड़ के, टाइल छोड़ दी, रेलिंग छोड़ दी, जो जो खर्चे लेबर के साथ मैंने बता दिए उनको छोड़ के, ये इसमें मैं वीडियो बना चुका हूं कि इस रेट में क्या क्या करके देते हैं, तो वो अलग है। तो 1,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था, 220 रुपये पर स्क्वायर फीट मैंने रेट पकड़ा लेबर का, तो हमारा कोई 2,20,000 रुपया हमारा किसमें लेबर कॉस्ट लगेगा कंस्ट्रक्शन करने में। तो टोटल अगर जो मैंने कॉस्ट बताई आपको वो टोटल करता हूं कुछ 18,88,450 रुपये हमारा खर्चा बनता है। ठीक है, इतना खर्चा हमारा बन रहा है। तो ये खर्चा अब देखो 18,00,000 पर स्क्वायर फीट हम पकड़ के चले थे, तो ये 18,88,000 पहुंच गया। तो ये खर्चा आपको जो भी मैंने आपको बताया, तो उसमें आपको 1,00,000-1.5 लाख रुपया ऊपर नीचे होगा, ऊपर ही होगा, कम नहीं होगी, मैक्सिमम रेट में लेके चल रहा हूं। तो आपको पकड़ के चलना है कि अगर आप क्लास बी का घर बनाने की सोच रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहे हो, तो 1,800 से 1,900 रुपये पर स्क्वायर फीट इस समय लेके चलिए, क्योंकि आपको मटेरियल क्वालिटी का लगाना है और अच्छे तरीके से घर बनाना, घर एक बार बनेंगे और फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारा क्लास बी का घर, फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है। अगर जो हमारा क्लास सी का घर था वो हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसमें खर्चा हमारा कम आता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।